बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GDP CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी तैयारी कीजिएगा। और इसमें जो है वो उन्होंने पूछा है कि COVID-19 के अंदर जो लोग एथलीट थे तो कैसे जो है वो उसको AI ने हेल्प आउट किया ताकि वो, क्योंकि जिम वगैरह को तो लॉकडाउन था, तो वो कैसे अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सके। नीड टू प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन कोर्स ऑनलाइन टू इंटेलिजेंटली इंटरेक्ट विद द एथलीट्स वाइल स्टेइंग एट होम एंड प्रोवाइड देम विद वेरिएंट फिटनेस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द टॉप प्लेटफॉर्म पैनाडेमिक। तो आपने बताना है कि थ्रू पोर्ट रिस्पॉन्स टाइम जो इसमें था, तो उसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट ढूँढी हैं। तो सबसे पहले एक इंडिया की साइट है hindu.com। तो hindu.com जो है अप योर फिटनेस गेम विद टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो AI के बारे में लिखा हुआ है और लॉकडाउन के बारे में लिखा हुआ है। दिस इज़ वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। AI इज़ सो सीमलेसली इंटीग्रेट विद आवर रेगुलर लाइफ दैट वी डोंट इवन रियलाइज इट्स प्रेजेंस। हाँ, इट्स नो सरप्राइज दैट दिस इज। तो यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है क्या चीज़ें हमें AI ने प्रोवाइड की, कि बहुत सारी ऐप्स दे रही, और एक तो बहुत एक या दो कंपनीज बहुत ही स्ट्रांगली एक अपनी ऐप लेके आई और उन्होंने बहुत ज़्यादा 6 मिलियन लोगों को डाटा स्टोर कर लिया। उन्होंने जो है वो स्मार्ट वेयरेबल गैजेट्स हो सकते हैं, फिटनेस मशीन्स हो सकती हैं, ऐप्स हो सकती हैं, और उसके बाद जो कि पीपल में या एथलीट्स को जो है वो, आप एथलीट्स का वर्ड यूज़ कर लीजिएगा, उनका ईट और स्लीप पैटर्न्स के बारे में जो है वो उन्होंने बात की। यहाँ से इन एजुकेशन, जैसे उन्होंने कहा फिज़िकल एजुकेशन, तो ये एजुकेशन उन्हें कैसे दी जा सकती है। ये आल्सो हैज़ अ पोटेंशियल टू गो फर्दर फॉर ऑनलाइन फिटनेस एजुकेशन। AI विल अलाउ कस्टमाइजेशन ऑफ कंटेंट बेस्ड यूज़र प्रीवियस एंड करंट प्रेफरेंसेस। तो ये जो एक पैराग्राफ है एजुकेशन के रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। AI कैन यूज़ रिमोटली एजुकेट। तो मेरा ख्याल है ये पैराग्राफ आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। मैं तो बहुत सारी चीज़ें ढूंढ के बैठा हूँ। तो ये एक वेबसाइट है hindu.com। तो आप अप योर फिटनेस गेम विद टेक्नोलॉजी, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। और इसको इन तीनों चारों पैरों को आप लोगों ने अपनी वर्डिंग के अंदर 8 लाइनों में लेके आना, कंसाइज कर लेना। तो जो हर पैराग्राफ है उसमें से एक लाइन बना लें या 2 लाइनें बना लें और उनको वहाँ 8 लाइनों में प्रो दें, ताकि कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये किया, एथलीट्स को बड़ा फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर चलते हैं self.com, इसका लिंक भी मैं दे दूँगा। हाउ द फिटनेस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप हैज़ कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज माई वर्कआउट्स। तो कैसे इसने वर्कआउट को, तो ये आप देख सकते हैं कि COVID-19 पैनाडेमिक आई फाउंड माई सेल्फ राइडिंग ओवर एनजाइटी एंड ये वो। तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च की फिटनेस AI एक पूरी एक कंपनी है। ये पैसों की आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये बेस्ड ऑन 5.9 मिलियन वर्कआउट टू जनरेट कस्टम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लान्स। और इनके पास मतलब इतने लोगों के रिलेटेड डाटा है, तो ये उसकी बेस के ऊपर आपको सजेशंस देती है ऐप। और ये मैंने इस ऐप को आपका पेज भी खोला था, यानी वेबसाइट भी खोली थी, लेकिन मैं नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर मूव कर रहा हूँ ताकि आप हर वेबसाइट से कुछ ना कुछ ले के अपने आंसर को डिफरेंट कर सकें। न्यू AI हेल्प पीपल एक्सरसाइज एट होम ड्यूरिंग पैनाडेमिक। अब आप खुद ही बता दें कि मुझे कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने यहाँ से लाइनें उठानी हैं कि जिम हैज़ बिन शट द डोर एंड CDC हैज़ सजेस्टेड दैट। CDC ना लिखिएगा, ये मे बी इंडिया के रिलेटेड हो, या तो जैसे हमारा NCOC है हैज़ सजेस्टेड टू स्टे एट होम। तो जो एथलीट्स हैं उन्होंने तो लाजमी ट्रेनिंग करनी थी, तो फिर उन्होंने घर में ही ट्रेनिंग स्टार्ट की और उनका यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा जो है वो चार्ट के अंदर दिखाया हुआ है कि उन्होंने कैसे अपनी इम्प्रूवमेंट ली, कैसे उन्होंने ये सारा कुछ किया। अगेन वन सच कंपनी Fitness AI हैज़ क्रिएटेड द ऐप टू कस्टमाइज द वर्कआउट प्लान क्रिएटेड इंडिविजुअल आर्टिफिशियल बाय
तो आप इस फिटनेस AI ऐप का जिक्र कर सकते हैं। तो इनके पास 6 मिलियन लोगों का डाटा है, इन्होंने हमें बताया कि कैसे वेट लूज़ करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कब सोना है, कब जागना है, तो कौन से जो है वो टूल यूज़ करने हैं, कौन से जो है वो वर्कआउट यूज़ करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम पे करनी है, तो ये सारी इस वेबसाइट पे लिखी है। फारबेस के ऊपर न्यू AI हेल्प पीपल एक्सरसाइज एट होम, तो ये एक वेबसाइट है। अगेन मैं तो अगर मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं सारी वेबसाइट्स को गो थ्रू करता हूँ और फिर मैं इनके ऊपर आता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड डिजिटल फिटनेस हियर इज व्हाट टू नो अबाउट। तो इन्होंने भी यहाँ पे किसी एक्सरसाइज और COVID-19 और इनका जिक्र किया हुआ है, स्वीट ब्रेकर्स, वर्कर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स और द टाइप ऑफ AI, पर्सनलाइज वर्कआउट रिकमेंडेशन इज आल्सो नोन एज ए मशीन लर्निंग विच इज़ टेक्नोलॉजी दैट इज़ कम्प्लेक्स एल्गोरिदम टू फाइंड पैटर्न एंड डाटा। तो आप इस पैराग्राफ को भी अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख सकते हैं। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट हिंट फॉर यू टू हाउ टू मेक दिस GDP बाय यूजिंग AI हाउ वी कैन मेक एक्सरसाइज। तो ये वो साइट थी फिटनेस AI की, तो इसमें तो कुछ नहीं है, मैं इसी को सर्च करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ इनसाइड फिटनेस AI। तो फिटनेस AI के अंदर है क्या, ये देखें, ये सबसे पहली वेबसाइट मैंने ये खोली थी, तो मेरे जवाब यहाँ से भी मिल सकते थे। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिटनेस, तो हाउ अफेक्ट द फिटनेस इंडस्ट्री, वो कैसे अफेक्ट हुई, और AI बेस्ड पर्सनलाइज ट्रेनर, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि AI ने पर्सनलाइज ट्रेनर कैसे, वो AI का पर्सनल ट्रेनर है, मतलब जो ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वो कैसे उन्हें गाइड करता है, ट्रेनर के उसके गोल क्या होंगे, आज उसने कितने पुशअप्स करने हैं, क्या उसकी ईटिंग हैबिट्स हैं, उसके गोल कौन से हैं, उसके वर्कआउट कौन से हैं, उसके फिटनेस लेवल कौन सा है, तो वो हर चीज़ को नोट कर लेगा। बेटर कोचिंग बेटर परफॉर्मेंस, तो ये जो ऐप होगी वो आपको ज़्यादा अच्छा कोच कर सकती है, क्योंकि वो एज अ रोबोटिक होगी ना, तो उसको जो बता दिया वो वही करेगा, और उसके सेंसर्स आपको डिटेक्ट कर रहे होंगे, तो सेंसर्स के थ्रू वो आपको मुख्तलिफ जो है वो एक्सरसाइज कैसे करनी है, कौन सी मूवमेंट होनी है, तो वो सारा कुछ होगा उसके अंदर। स्मार्ट फिटनेस वेरेबल्स, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स होंगे जो आप हाथ पे टांग पे बांध सकते हैं, तो जैसे एप्पल की वॉच है उसके अंदर वो आपका डाटा कलेक्ट कर लेती है, आपकी हार्ट बीट कलेक्ट कर लेती है, तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स जो स्मार्ट फिटनेस वेरेबल्स हैं वो हैं। AI ड्रिवन डाइट प्लान जो है वो इसके अंदर आ जाएगा कि जी आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना है, किस टाइम पे खाना है, तो वो सारी ट्रैकिंग होगी, कितनी कैलोरीज आपने खाई, कितनी बर्न की, तो इंक्रीज कन्वर्जेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो इसके अंदर वो 70% वो कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो उन्होंने स्मूथर यूज़र एक्सपीरियंस हासिल किया। और कंक्लूजन जो है वो AI मैनेज टू मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट स्पेशली कंसिडरिंग हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट हैव अ रेगुलर एक्सेस ऑफ द जिम। तो आप यहाँ से ये पैराग्राफ ले लें, 8 लाइनें लिखनी हैं, तो आपके लिए ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये भी एक वेबसाइट है, ये जैसे मैंने वो बोली थी हिंदू वाली जो लास्ट है, तो बस ठीक है इसको बंद कर देते हैं। तो ऑलरेडी मतलब मैं इन सब में से गुजर के आए हैं, उन सबको मैंने रीड आउट किया ताकि आपको मैं बता सकूं। आपने यहाँ से अपनी पसंद का कोई पैराग्राफ लेना है जो AI जिम एथलीट्स और उन सबको लेके आ रहा हो, और उन सबको फिर थोड़ा 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 आपने मिक्स करके एक 8 लाइनों का पैराग्राफ बनाना है और लिख देना है। I hope so. You like my effort. Subscribe the channel to get me to the 10,000 subscribers. 10K ke liye I am waiting for your support. Thank you. Thanks for watching.